हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड एंड टाइगर। ये डिफरेंट होने वाला एपिसोड है। आपने जैसे देख लिया होगा अब तक थंबनेल में, मैं सारंगपुर धाम जा रहा हूँ और इस वाले एपिसोड में मैं आपको पूरी जर्नी, पूरा डिटेल, पूरा खर्चा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की फैसिलिटी है, दिन भर आप कैसे निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगा सकते हैं और भी जो भी डिटेल्स मेरे सामने होगी प्राइस के साथ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस पूरे चैनल के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 12 मिनट के अंदर ये पूरा एपिसोड में आपको सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स कवर करें। तो कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूँ। मैं जयपुर से आ रहा हूँ, जयपुर से मैंने बस ले आया था कल रात में, श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस थी, प्राइवेट बस थी। बस आपको जयपुर से अगर आप आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं तो 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक में आपका बस का किराया होगा। ट्रेन का किराया पे कुछ इसी तरह का होगा, जो 500 रुपये से लेकर अगर आप एसी, सेकंड एसी में अगर आते हैं तो 2000-2500-3000 तक आएगा। आप फ्लाइट से आ सकते हैं, नज़दीकी एयरपोर्ट यहाँ पे आने के लिए आपको अहमदाबाद का होगा। आप अहमदाबाद आने के बाद बस से, गुजरात ट्रांसपोर्ट की बस से आ सकते हैं। मैं उसका डिटेल भी अगर आपको सके तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैंने कैब किया है, प्राइवेट कैब किया है, ये मोहन भाई हैं। मोहन भाई का नंबर मैं आपको, मोहन भाई का हेलो कर दो, मैं चेहरा दिखा दो। ये मोहन भाई है, मोहन भाई का डिटेल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्या खर्चा है, ये खर्चा जो टैक्सी का, जो कैब का जो खर्चा है, ये नॉमिनल सा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप रोड टाइगर का नाम लेंगे तो मोहन भाई को छोटा मोटा डिस्काउंट अगर होगा तो वो भी कर देंगे। समय समय पे प्राइसेस जो हैं चेंज होते रहते हैं। इसके आगे की जानकारी मैं आपको आगे दे दूँ। ये यहाँ पे मैं हमेशा जब भी मैं यहाँ आता हूँ इसी जगह पे रुकता हूँ, गैरप्स पे। ये अभी सालंगपुर से करीब करीब हम लोग 45 मिनट 1 घंटे की दूरी पे हैं, 45 मिनट 1 घंटे की दूरी पे हैं अभी। और एक्चुअली इस पूरे रोड पे ना, ये रोड जो है ये भावनगर की तरफ जा रहा है, इस रोड पे यही एक अच्छी बढ़िया जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, फ्रेश अप हो सकते हैं, कुछ अच्छा खा सकते हैं। ये करके भी यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, तो ब्रश व्रश करना और बाकी फ्रेशन अप होना तो वो तो मैंने कर लिया, और ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं यहाँ पर रुक नहीं पाया, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अब देखते हैं कोई लोकल से कोई ढाबा डुबू होगा तो वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे फिर मंदिर की तरफ चलेंगे। हम लोग अभी सारंगपुर धाम पहुंच गए हैं और मैं देख रहा हूं कि आज संडे होने के कारण काफ़ी भीड़ है, और जो मेन पार्किंग एरिया है वो अंदर है, मंदिर प्रांगण में है, लेकिन उसके बाहर में ये गाड़ियां लगी हुई हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि अंदर काफ़ी भीड़ होगा। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
दर्शन करके, पूजा पाठ करके, सब कुछ करके अभी शाम के बज रहे हैं कोई 5:30 और मैं वापस से अपने कार में बैठ गया हूँ और अब मैं अहमदाबाद की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से रात में 10 बजे की मेरी बस है, सुबह सुबह मैं जयपुर पहुँचाऊँगा। फटाफट मैं आपको एक बार सारा डिटेल्स बता दूँ। नॉर्मली मैं ऐसा ब्लॉग बनाता नहीं हूँ कि मैं एक ही बार सारा कुछ बाद में बताऊँ और फिर बाद में उसमें फुटेजेस ऐड करूँ। आप बीच बीच में फुटेजेस जो हैं आप देखते रहेंगे इस वाले एपिसोड में। देखिए, सहारनपुर में संडे को और सैटरडेज़ को तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं, व्यवस्थित हैं। 12 बजे फाटक बंद हो जाता है, द्वार बंद हो जाता है। आज क्योंकि बहुत ही भीड़ थी तो मुझे लगता है 12:30 या 1:15 के आसपास उन्होंने बंद किया था, लेकिन बंद आज भी हुआ था और फिर खुलता है वो 4 बजे के आसपास, 3:30 या 4 बजे के आसपास। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, कुछ जानकारी जल्दी जल्दी मैं बता दूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप रुक सकते हैं। रुकने के रेट्स जो हैं, कमरे जो हैं, आपको 10 बजे सुबह के बाद मिलेंगे, क्योंकि 10 बजे चेकआउट टाइम होता है तो उसके बाद ही आपको कमरे अवेलेबल हो पाएंगे। और रेट्स काफ़ी नॉमिनल हैं, काफ़ी रिजनेबल हैं। 300 रुपये से शुरू होता है जो कि 1500 से 1600 तक जाता है, 1800 तक जाता है। इसमें फैमिली रूम्स भी हैं, डबल ऑक्यूपेंसी भी हैं, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी भी हैं, 4 लोगों के हिसाब से भी है, 6 और 8 लोगों के हिसाब से भी है। AC, नॉन AC दोनों तरह के रूम मिलते हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। मैंने आपको कमरा तो इस बार नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद यूज़ किया हुआ है तो मुझे मालूम है। बाथरूम भी काफ़ी साफ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, साफ़ सफाई अच्छी होती है यहाँ पे हर जगह पे। अगर आप कमरा नहीं लेना चाहते, जैसे इस बार मैंने कमरा नहीं लिया, तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप वॉशरूम्स, जो कॉमन वॉशरूम्स हैं, उनको यूज़ करें। वॉशरूम के अंदर ही, टॉयलेट्स के अंदर ही बाथरूम भी होता है, नहाने का भी होता है, जहाँ पे पानी अच्छा खासा फ्लो में हमेशा चलता रहता है। आप वहाँ पानी ले, साबुन या शैम्पू इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपना लेके जाएं। जगह हो सकता है कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ के कारण या मतलब गंदा आपको लगे कि भाई एक तरफ टॉयलेट है दूसरी तरफ बाथरूम है, वो मैनेज करना होता है। एक कॉमन टॉयलेट में एक और टॉयलेट होता है, एक और वॉशरूम होता है जहाँ पे बेड्स भी होते हैं, मतलब एक तरफ बेड होते हैं और साइड में टॉयलेट्स होते हैं, वो फ्री होता है। तो वहाँ पे भी आप बेड्स अपना इंतजाम कर सकते हैं, गद्दा लेके वहाँ पे रह सकते हैं और उस वाले बाथरूम को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी ऐसी गंदगी वाली परेशानी नहीं होगी। इसके ऊपर अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो मंदिर प्रांगण में हर जगह सब साफ सफाई काफ़ी अच्छी होती है। आप लाइन में लगे रहें, पेशेंसली लाइन में लगे रहें, आपको बहुत अधिक टाइम लाइन में नहीं लगेगा। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स अंदर अलाउड तो हैं, लेकिन सॉरी मतलब मैं तो ले गया था, बाकी सारे लोग ले जा रहे थे, रिकॉर्ड भी कर रहे थे, लेकिन वैसे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं, तो वहाँ पर मना भी करते हैं अंदर में ले जाने के लिए। आप मंदिर में जाने के बाद अगर आप शाम की पूजा करना चाहते हैं तो शाम की पूजा करने के लिए आपका 2 टाइम है जब आप पूजा कर सकते हैं। एक शाम की पूजा के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होता है और 4 बजे से पूजा शुरू होती है। और सुबह अगर आप करना चाहते हैं तो 6 से 7 आपका रजिस्ट्रेशन होता है, 7:30 से पूजा शुरू होती है। इसके अलावा पूजा के बारे में बता दूँ कि स्वामीनारायण मंदिर में आपको अंदर में बेसमेंट में आपकी पूजा होती है, वहाँ आपको वेट करना होता है, आपको टोकन दिया जाता है, टोकन में नंबर होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे की कामना करने के लिए अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों को टोकन लेना होगा, अदरवाइज पर फैमिली मेंबर एक टोकन भी चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग वहाँ पर आप पूजा के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक खाना खाने की बात करूँ तो दिन में इनका जो कैंटीन है वो तो 24/7 खुला रहता है, लेकिन अंदर जो जो मंदिर की तरफ से जो भोजन का जो व्यवस्था होता है वो दिन में 3:15 से 3 बजे के आसपास वो जगह बंद हो जाती है। वो भी नई बिल्डिंग बन गई है, काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन वहाँ पर रेगुलर जिस तरह से मंदिर में जिस तरह से भोजन मिलता है, आप उस तरह से जैसे नॉर्मली आप लंगर में जैसा खाते हैं या जैसा आप भोज में जैसा होता है वैसी व्यवस्था होती है, लेकिन साफ़ सुथरा होता है और अच्छा होता है। अंदर क्योंकि मैं गया नहीं क्योंकि मुझे पूजा करना था तो मैं अंदर का कर नहीं पाया। पूजा से रिलेटेड मैं एक बात और बता दूँ कि आपको नहा के जाना होता है, मतलब ये नहीं कि आपको इमिडिएटली नहाना है, मतलब ये कि अगर आपने नहाया हुआ है और आपने कपड़े पहने हुए हैं, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने हुए हैं और आप किसी भी तरह का उसके बाद आप मतलब आपने भोजन नहीं किया है, कुछ खाया नहीं है, उसको जूठा नहीं किया कपड़े को, तो उसी कपड़े के साथ आप वहाँ पूजा कर सकते हैं और आपको फिर बार बार चेंज करने की या नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेमाइसिस के अंदर रुकते हैं
रात में भी, तो रात में ये प्रमाइसेस आपके लिए सारी चीज़ें जितनी भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं सारा कुछ वहाँ अवेलेबल होता है। बाहर में मैंने देखा कि पहले बहुत होटल्स नहीं होते थे, लेकिन आजकल कुछ फैंसी होटल्स जो हैं वो प्रमाइसेस के बाहर भी खुलने लग गए हैं। अंदर काफ़ी डेकोरेटिव्स बने हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे बजरंग बली की बड़ी सी मूर्ति बनी है, ये सब नया डेवलपमेंट है। तो आप अगर यहाँ रुकते हैं तो अंदर एक अच्छा सा एटमोसफेयर आपको मिलेगा। प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो प्रसाद आपको काउंटर से टोकन लेके मिल जाएगा, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का प्रसाद होता है, और ये आप अपना जितनी मर्जी से जितना चाहे ले सकते हैं। ये वो प्रसाद है टोकन वाला जो कि मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से जो भोग लगता है ये वो वाला प्रसाद होता है। एक प्रसाद आपको मंदिर के ठीक पीछे लोग बेचते हुए भी मिल जाएंगे, वो बेसिकली पेड़े होते हैं, आप चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। तावीज़ आपको एक आपको बाहर मिल जाएगा जहाँ पेड़े वाले देते हैं, वो भी तावीज़ देते हैं, और एक अंदर काउंटर है जहाँ पे मतलब ट्रस्ट की तरफ से शॉप है, वहाँ से भी आप तावीज़ ले सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, मूर्तियाँ ले सकते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं डेकोरेटिव्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ आने का सही समय, तो देखो भगवान के पास आने का सही समय तो हर सारा समय सही होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस समय मैं हूँ अभी मानसून चल रहा है, मानसून में यहाँ ठीक है, गर्मी काफ़ी नहीं थी, गर्मी नॉर्मल था और मैं कंफर्टेबली यहाँ पर घूम पाया, कंफर्टेबली यहाँ पर समय बिता पाया, क्योंकि मैं गर्मी में भी आया हूँ तो गर्मी में पैर काफ़ी चलते हैं, वो फर्श जो है वो सारा मार्बल का होता है तो पैर काफ़ी चलते हैं। तो अगर हो सके तो गर्मी में आप नहीं आएँ, अगर आप नहीं आना चाहते तो बाकी आप किसी भी समय आएँ, हर समय यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और कोई जानकारी अगर मुझे ध्यान आएगा एडिटिंग के टाइम पे तो मैं इसे अलग से लिख दूंगा। अभी मैं वापसी का जो सफ़र है, अब मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखाने का इसमें बच नहीं गया है, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में किसी और व्लॉग में। बहुत जल्दी मैं किसी दूसरी लोकेशन पे जाने वाला हूँ और आप लोगों के सामने वो वापसी कुछ जंगल का वीडियो लाने वाला हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग जंगल का वीडियो लाने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ 2 सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर। थैंक यू।